बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दायर याचिका पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। उन्होंने सोमवार को हाईकोर्ट में चार धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन और चारों धाम हिमालय राज्य के 51 अन्य मंदिरों के प्रबंधन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। स्वामी की वकील मनीषा भंडारी ने जनहित याचिका उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्राधिकरण द्वारा हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रशासन और नियंत्रण को ले लिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के अधिनियम को खत्म करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तराखंड कोर्ट में पेश होने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक और हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है। 10 फरवरी को राज्य के पुजारी न्यायिक के चार सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने स्वामी से मुलाकात की और चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना की एक प्रति के साथ जनहित याचिका के लिए कई दस्तावेज भी सौंपे। उसी दिन स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के 51 मंदिरों के कई पुजारियों ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने इन सभी मंदिरों का राष्ट्रीयकरण किया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सतपाल महाराज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर जो जजमेंट हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था वो आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और हम अब निश्चित रूप में चार धामों को विकसित करेंगे। इसमें और भी यात्रियों को सुविधा मिले ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी यात्रा सुगम और सरल हो। जो दुविधा का वातावरण था वो समाप्त हो गया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में स्वामी जी को अब उनका जवाब मिल गया है और हम निश्चित रूप में उत्तराखंड में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हम यात्री आने शुरू हो जाएंगे और हम यात्रियों का जो है उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे सरल और सुविधाजनक यात्रा लोग कर सके चार धामों। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।